हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार आपका फिर से स्वागत है मैटडीप यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट ग्लाइबेनक्लामाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दें, ये मैं सारी दवाइयाँ आपको सॉल्ट नेम से बताऊंगा। सॉल्ट नेम, इसका सॉल्ट नेम जो आपको किसी मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी। सॉल्ट नेम मैंने आपको बताया था, मैं किस लिए बता रहा हूँ। सॉल्ट नेम से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस नाम से बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब हर एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को पिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। इसलिए जो उनमें सॉल्ट होता है, ग्लाइबेनक्लामाइड सॉल्ट, इसके बारे में जान लोगे तो आप इससे रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स हैं सारी मेडिसिन का सेम ही है, क्योंकि उसमें साल्ट होता है, सॉल्ट होता है इसका सेम। इसका यूज़ क्या है? यूज़ पहले बात कर लें इसके यूज़ के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस में इसका यूज़ होता है। जब आपके ब्लड में आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तब इसका यूज़ करते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका यूज़ होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हैं? वही नोज़िया, स्वेटिंग, पसीना आना, पेल, लुकिंग पेल, कई बार आपका जो आउटिंग है, जो आप अपियरेंस है आपकी, वो कई बार पेल होने लगती है, मतलब तो आप पीले पड़ने लगते हो। और आपका हो गया स्टमक अपसेट, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जैसा आपका डॉक्टर बोले ऐसे आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में आई होप यू गाइज आपको एक वीडियो समझ में आई होगी। ग्लाइबेनक्लामाइड सॉल्ट के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।